गाड़ो फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन तू आ कि रही था ना भाई उस मेरे को। वेक्टर स्पेस है कि नहीं चेक करना है। हाँ ना ना ये एक्स वन ना कोमा वाई वन प्लस एक्स टू कोमा वाई टू इज इक्वल जा टू एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस टू एंड वाई वन प्लस वाई टू माइनस थ्री एंड के कोमा के इंटू ब्रैकेट एक्स कोमा वाई के एक्स वन प्लस टू के माइनस टू एंड के वाई वन माइनस थ्री के प्लस थ्री। चेक करो वेक्टर स्पेस है कि नहीं, अगर नहीं है तो कौन सी प्रॉपर्टी पे वो फेल हो रहा है। चेक करके मुझे चैट बॉक्स पे आंसर करो। आड़स नहीं है ना भगवान हुए भाई वो कैसे। हाँ खरे है ना। पूछ है ना यार। यस मैम। नबड़ा रूल नंबर क्या 94, अनम्यूट योर सेल्फ। रूल नंबर 94, आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? वन जीरो टू, 103, रूल नंबर वन यस जीरो मैम थ्री यस मैम आपने असाइनमेंट क्यों सबमिट नहीं करवाया? मैम विच असाइनमेंट वो एलए का है वो। मैम। एक्चुअली आई एम अ न्यू स्टूडेंट, आई हैव जॉइंड लास्ट वीक ओनली। ओके, तो आपने एग्जाम दी थी ना? यस मैम हाँ, तो एलएमएस पे एक असाइनमेंट है, वो आप लिख के उसकी पीडीएफ बना के मुझको सेंड कर दो। अभी मेरे मेल पे, मेल आईडी पे सेंड करना पड़ेगा, एलएमएस पे नहीं आएगा आपका। उसके 10 मार्क्स होते ओके हैं। ठीक है बेटा, 2 दिन में मैम सबमिट करवाओ मुझे। ओके मैम रूल नंबर 100, 100। यस मैम आपने अभी असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाया। एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर। ओके, फर्स्ट लेक्चर है आपका। 94, 94, 94। आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? अभी आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके, क्योंकि आप अनम्यूट तो कर ही नहीं रहे हो, सबमिट भी नहीं किया, और आप मुझे सुन भी नहीं रहे हो। ढंग से 94 कनेक्ट ही नहीं किया है। कनेक्ट किया है बेटा, यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, उसने 2 डिवाइस से ज्वाइन किया, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है बेटा, मोबाइल से ज्वाइन किया है उसने। 94 ने 85, 85, 51 मेरे में नहीं है। मारे हो चाहिए, मेरे में भी कोई अनम्यूट ही नहीं कर रहा है, उसको मार्क्स नहीं देने के, बोल देने का भी। 83, 85, 91, 94, 100, 102 एंड 103।
आपको 91। आपको मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाना है। मैम एक्चुअली न्यू एडमिशन थे, उसके बाद जस्ट अ वीक आफ्टर माय एडमिशन आई गॉट माय डिटेल्स ऑफ द पेपर, सो आई डोंट नो कि व्हिच असाइनमेंट वी हैव टू सबमिटेड। आई डिड नॉट गेट एनी प्रोसीजर्स एनी वर्क, सो आई एम आल्सो इन ट्रबल ऑफ थिंग्स व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट टू डू, हाउ टू मेंटेन बुक्स एंड ऑल दीस थिंग्स। एक्सक्यूज मी मैम, मैम एम आई ऑडिबल टू यू? रोल मैम नंबर 91, इफ यू एनी डाउट रिलेटेड एलएमएस प्लीज यस मेल मैम, इन स्टूडेंट सेक्शन एंड आई विल गिव यू 5 डेज फॉर सबमिशन। ओके ओके मैम। सो मैम ओनली वन ट्यूटोरियल और समथिंग एल्स आई हैव टू डन? ट्यूटोरियल नो ट्यूटोरियल असाइनमेंट 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 वन। ओके मैम, सो ऑन एलएमएस आई हैव टू अपलोड? यस यस। And I'll get from the assignment or One questions I'll minute, get. beta. One minute, one minute. जिसका आज न्यू एडमिशन है, जिसको पता नहीं है क्या करना है, तो उसको एलएमएस डाउनलोड करना है। एलएमएस में आपकी एग्ज़ाम रिलेटेड और सब कुछ कोर्स पॉलिसी उसमें होती है, उसमें एलए का कोर्स पॉलिसी है और एलए का असाइनमेंट भी होगा। वहाँ पे आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको वो पेन पेन और कागज़ लेके लिख लेना है अपने हैंड रिटन, और फिर उसको पीडीएफ बना के उसको एलएमएस पे अपलोड करना है। अगर एलएमएस में अपलोड नहीं होता है आपका वो असाइनमेंट, तो आपको मुझे मेल करना है। ठीक है, बोला ही नहीं था ये तो, अभी आज पता चला आपने बोला तो। हमें तो पता क्या ही नहीं नहीं था मतलब बोला सबमिट था? करना था ये असाइनमेंट का, तो एडमिशन लेट हुआ था तो हमें ये सब नहीं पता था। यस मैम, आप लोग मेरे ही क्लास में हो, पता है मैं ही आपका ट्यूटोरियल ले रही हूँ और आप मेरे ही क्लास में हो। तो क्या हुआ कि आप, जब मैंने बोला था क्लास में, तब आप लोग शायद, आपका एडमिशन नहीं हुआ होगा, बाकी सबको तो पता था क्या करना था। अभी कोई बात नहीं, आपका लेट एडमिशन है तो आप लोग है ना अपने क्लासमेट के ग्रुप में हो, तो उस पे उन लोगों के पास से ले लो और पीडीएफ बना के सबमिट कर दो, बस खत्म बात। ठीक है, क्वेश्चन उन लोगों के पास ले लो, आप लोग कैसे भी करके 5 दिन में मुझको ये सबमिट करवाओ बेटा, उसके 10 मार्क्स होते। ओके यस और नो? मैम ट्यूटोरियल वन नहीं बेटा, असाइनमेंट 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 अच्छा एलएमएस पे होता है, एलएमएस में होता है असाइनमेंट, ट्यूटोरियल अलग होती है। देखो जिसको पता नहीं ना, वो मैं पहले बोल देती हूँ, क्लास टेस्ट क्लास में जो हम पढ़वाते हैं उसकी प्रैक्टिस ट्यूटोरियल में होती है, और असाइनमेंट हम आपको 3 असाइनमेंट देते हैं जिसके मार्क्स होते हैं 10 10 10, और क्लास टेस्ट होती है 35 मार्क्स की और सेशनल टेस्ट होती है 45 मार्क्स की। इस तरह से आपका कोर्स डिवाइड होता है। जिन लोगों को भी नहीं पता है, वो
दूसरे स्टूडेंट जो आपके ग्रुप में है उन लोगों से असाइनमेंट की कॉपी मंगवा लो कि आपको वो असाइनमेंट कितने क्वेश्चन है वो आप लोगों को दे देंगे, फिर आप उसको सॉल्व करके मुझको सबमिट करो। एमएस पे डैशबोर्ड पे फिर एलएमएस पे कहाँ है? नहीं, आप मुझे मेल कर देना, आप मुझे मेल कर देना। ठीक है। मैम हमें नोटबुक, जैसे ये ट्यूटोरियल्स आप लिखवाते हैं और जो नोट्स की हमें पीडीएफ शो होती हैं, उन हमें खुद से भी वो क्रिएट करनी है क्या, मैं लाइक फेयर नोटबुक टाइप्स? हाँ, वो आपके आपके रेफरेंस के लिए आपको बनानी है। यहाँ पे तो आपको एक्चुअल सिर्फ तीन रेफरेंस में नहीं असाइनमेंट है। सबमिट करवाने होते हैं, उसमें से फर्स्ट असाइनमेंट हमने दे दिया है, वो फर्स्ट असाइनमेंट आपको सबमिट करवाना है। बाकी ट्यूटोरियल और क्लास बुक आपको कहीं पे भी शो ऑफ करनी नहीं हुई, आपको अपने रेफरेंस के लिए बनानी है तो आप बना सकते हो। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया, वेक्टर स्पेस है कि नहीं है? किसी ने किया? यस और नो, वेक्टर स्पेस है कि नहीं चेक किया? कोई आंसर क्यों नहीं दे रहा है? नो मैम, नहीं हुआ रही, नहीं किया चेक। मैम नहीं हुआ अभी तक। तो करो फटाफट करो, वेक्टर स्पेस नहीं है। 31 रोल नंबर, कौन सी प्रॉपर्टीज फेल हो रही है? मैम डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन के यू प्लस वी। स्केलर, स्केलर के एडिशन 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 कौन से नंबर वाली फेल हो रही है? वो फोर्थ वाली के, वो के इना ब्रैकेट यू प्लस वी। फोर्थ वाली? फोर्थ वाली तो मतलब जीरो मैम, वेक्टर। मतलब इन शॉर्ट के इना ब्रैकेट यू प्लस वी। ओके, वो उसको बोलते बेटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, के आता है तो वो स्केलर हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फेल हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, बराबर है, वेरी गुड बेटा। एक ने किया बस सिर्फ, बाकी किसी को कुछ करना नहीं है। देखो अगर क्लास में नहीं समझ में आता है तो ट्यूटोरियल में आप पूछ सकते हो, प्रैक्टिस करनी है तभी समझ में आएगा कि आता है कि नहीं आता है। बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, फिर मार्क्स भी नहीं आएंगे। सिर्फ रैंक फाइंड करना था, कितनी बार समझाया था कि कैसे रैंक फाइंड करते हो, क्या होता है, फिर भी कैसे मार्क्स आए सबको? ट्यूटोरियल में तो प्रैक्टिस करो। ओके क्वेश्चंस, नो नेगेटिव।
मिशन वन हो गया। क्वेश्चन वन हुआ बेटा, यस और नो। पूरे क्लास में कोई रिस्पोंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब मैं क्या समझूं? थर्टी वन का हुआ और 35 दोनों ने बोला कि हो गया, बाकी किसी का नहीं हुआ ना। यस और नो। डाउट है, कुछ नहीं समझ में आता हो तो बोलो, तो फिर से सिखाती हूँ, पर प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करो तो पता चले कि आता है कि नहीं आता है। मैम नहीं आता फर्स्ट वाला, क्या फर्स्ट वाला नहीं आता? कौन बोल रहा है? 48 48 क्या बोल रहे हो बेटा, बोलो। कैसे करना नहीं है आता है? नहीं मैम, लास्ट यस ईयर और दो क्लास नहीं अटेंड की थी मैंने। क्या नहीं आता मैम, लास्ट के दो क्लास नहीं अटेंड, लास्ट के दो क्लास अटेंड नहीं किए थे मैंने। तो क्यों नहीं किए मैम? अरे मैम शिफ्टिंग चल रही है मिस्टर, नहीं कब एग्जाम देते हैं मैम। हाँ तो ठीक है, तो आपको नहीं आता होगा, चलो समझ में आया कि आपने क्लास अटेंड नहीं की। बाकी सबका क्या है? मैंने देखो आज वेक्टर स्पेस की फिर से नोट भेजी है। पहले बोल रहे थे मैडम पीडीएफ कब भेजोगे कब भेजोगे, अभी पीडीएफ मिल गई, सॉल्व क्यों नहीं हो रहे एग्जाम्पल? अभी सबको ट्यूटोरियल है ना, मुझको सबमिट करवाना पड़ेगा तभी आप करोगे, वरना तो बैठे ही रहोगे। नहीं आता है तो बोलो कि मैडम ये प्रॉपर्टी नहीं समझ में आती है, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूं। बाकी है क्या इसमें कि समझ में ना आए? एडिशन तो बताया गया कि किस तरह से एडिशन डिफाइन करना है, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करना है, फिर प्रॉपर्टीज की लिस्ट आपके पास है। आता है कि नहीं आता है? किसी को रिस्पोंड नहीं करना है? एक बार आप एक्सप्लेन कर दोगे प्लीज, एक बार लास्ट टाइम। कौन है? देखो वेक्टर स्पेस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यू एंड वी कोई वेक्टर स्पेस में होता है तो यू प्लस वी वेक्टर स्पेस में होना चाहिए, बिलोंग्स टू वी होना चाहिए। फिर हम कॉम्यूनेटिव लॉ करते हैं, यानी कि यू प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू। अभी यू प्लस वी कैसे डिफाइन होता है, यहाँ पे डिफाइन करके दिया है कि यू प्लस वी हम एडिशन किस तरह से डिफाइन करेंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू उसमें माइनस टू करेंगे, फिर वाई वन प्लस वाई टू माइनस थ्री करेंगे, फिर आपको क्या करना है उसमें यू प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू प्रूव करना है। सेकंड में क्या करना है, यू प्लस ब्रैकेट में वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू ब्रैकेट में यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू करना है। फिर जीरो वेक्टर यू प्लस जीरो वेक्टर इज यू होना चाहिए, यू प्लस माइनस यू इज इक्वल टू जीरो वेक्टर होना चाहिए। फिर स्केलर कोई के बिलोंग्स टू आर है एंड यू बिलोंग्स टू वी है तो के यू बिलोंग्स टू वी होना चाहिए। फिर के वन ब्रैकेट में u प्लस वी इज इक्वल टू के वन यू प्लस के वन वी होना चाहिए, के वन के टू दो स्केलर है तो के वन प्लस के टू इंटू यू इज इक्वल टू के वन यू प्लस के टू यू होना चाहिए, के वन के टू कोई स्केलर है तो के वन ब्रैकेट में के टू यू इज इक्वल टू के वन के टू यू होना चाहिए, एंड लास्ट वन इंटू यू इज यू होना चाहिए। अभी देखो सबसे पहले क्या करना है कि u प्लस वी बिलोंग्स टू v है कि नहीं चेक करना है। u क्या है, x1 कोमा y1, एंड v क्या है, x2 कोमा y2। अभी एडिशन यहाँ पे हमको डिफाइन करके दिया है,
बराबर है, तो सब वो आर टू में है, तो आर टू इज क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन, वो हो गया। उसके बाद यू प्लस वी, यू प्लस वी तो यहाँ पे डिफाइन है, अभी यू प्लस वी में यहाँ से हम एक्स टू को पहले लिखेंगे, एक्स वन को बाद में लिखेंगे तो चलेगा, उसी तरह से वाई टू को पहले लिख दिया और वाई वन को बाद में लिख दिया तो भी चलता है, तो वो क्या हो जाएगा एक्स टू कोमा वाई टू एंड एक्स वन कोमा वाई वन, तो यू प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू हो जाएगा। समझ में आता है? उस तरह से आपको कम्युनेटिव के बाद कम्युनेटिव लो करना है, इस तरह से आपको सब सारे के सारे रूल प्रूव करने, आपके पास नोट्स है तो आप उसमें से 10 प्रॉपर्टी देख देख के करो। समझ में आया अभी? एडिटिव इनवर्स क्या मिलता है वो देखो, जीरो वेक्टर क्या मिलता है, जीरो वेक्टर क्या मिला, किसी को मिला? टू थ्री यस, जीरो वेक्टर इज टू एंड थ्री। और इनवर्स क्या मिलता है, इनवर्स क्या मिला बेटा? नहीं मिला, नहीं मिला तो अभी करो चलो फटाफट। अभी कोई डाउट है? वेक्टर स्पेस की नोट्स आपके पास है? वेक्टर स्पेस की नोट्स आपके पास है, उसको साइड में रखो और देखो और चेक करो। और जिन लोगों ने भी क्लास की वेक्टर स्पेस की क्लास अटेंड नहीं की है वो पीडीएफ देख के समझो। यस मैम, मेरे को नोट्स और नहीं मिले हैं वेक्टर स्पेस या हाँ, आपके मैट्रिक्स। रोल नंबर है ना, हमारे पास है नहीं अभी, तो वो नहीं मिले होंगे, पर क्लास आप क्लास में किसी के पास से ले लो। और मैम मेरे को लिंक भी नहीं आती है क्लासेस की। आज तो आई ना? नहीं मैम आज नहीं आई, वो स्टूडेंट से मांगी थी आज भी लाइक नहीं आई थी। क्या है कि एडमिशन रोज होते हैं, रोज नए एडमिशन होते हैं, तो वहां से ऊपर से हमको लिस्ट ऐसे प्रॉपरली आती ही नहीं है। मैं आपको ऐड कर दूंगी, ठीक है बेटा आज? ओके थैंक यू मैम। तो अभी है ना, आप नोट्स भी किसी आपके क्लासमेट के पास से ले लो, कि उसको बोलो कि पहले की और अभी आज भेजी सब, वो मुझे आपको मेल कर दे, ठीक है? ओके मैम। फर्स्ट सम जिसका भी हो जाता है ना, वो मुझको चैट बॉक्स में मैसेज करेगा, जिसका भी हो जाता है ना वो। आपका ट्यूटोरियल 4 बाकी है ना? यस और नो? उसमें तो रिस्पोंड करो, ट्यूटोरियल 4 करना बाकी है। यस मैम। हाँ तो अब आप अभी यही करो, सबस्पेस हम बाद में करते हैं, पहले क्वेश्चन 1 करो।
फर्स्ट क्वेश्चन किया, यस और नो? यस मैम। क्या बनाया मैट्रिक्स? A11B। यू ऐसे ही बना दो ना, ABCD। ABCD बनाया मैम। हाँ, और फिर V को बना दो। नहीं 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 1 2 3 ऐसे एंट्री नहीं लिख सकते बेटे। फिर उसका एडिशन कैसे करेगो? कि आपने ABCD और EFG ऐसा डाला होगा तो उसका स्टैंडर्ड एडिशन, मैंने बोला है कि जहाँ पे नहीं बोला है वहाँ पे अपना एडिशन आपको खुद से करना है। A+E। A+E। फिर B+F। C+G। C+G। D+H। और स्केलर कैसे मल्टीप्लाई में होगा? सारे स्केलर उसको मिल जाएंगे तो KA KB KC KD, उस तरह से डिफाइन करके। अभी चेक करो ये मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस है कि नहीं। है वेक्टर स्पेस। वेरी गुड। यस। अभी दूसरा करो। क्या दो कंडीशन? 10 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। ये तो वेक्टर एडिशन और उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होता है वो यहाँ पे दिया नहीं है तो हमने डिफाइन किया। फर्स्ट वाला हो गया।
अभी सेकंड क्वेश्चन चेक करो, वेक्टर स्पेस है कि नहीं। वेक्टर स्पेस है मैम। डन है वेक्टर स्पेस। हाँ सेकंड वेक्टर स्पेस है, अभी थर्ड चेक करो। मैं एक छोटा सा डाउट है, क्या बोला बेटा?
ये अगर मैम सिक्स जो सिक्स से एग्जाम है उसमें अगर ये सम्स आए तो एक सम कितने मार्क कंसिस्ट करता होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मेथड है मैम वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए। बेटा अभी मार्क्स कुछ ऐसे तय नहीं किए, चल भी नहीं बनी, जब भी ओके निकलेगा ना तो बता दूंगी क्लास में। और ओके मार्क्स तो उस हिसाब से ही होगे बेटा, अगर 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उस हिसाब से मार्क्स भी होगे, सो डोंट मैम, वरी। मतलब ये 2 मार्क का तो नहीं होगा ना, लाइक नहीं दो से अभी तो नहीं होता है ना, 10 प्रॉपर्टीज के लिए कोई 2 मार्क्स देता है बेटा? यस मैम। फेल होता है, दिखाई देता है कि ये फेल ही हो जाएगा तो 2 मार्क्स में पूछा है तो बराबर है, बाकी वेक्टर स्पेस है प्रूव करो तो उसके लिए तो 2 मार्क्स नहीं होगे। 2 मार्क्स में नहीं आता है फिर 5 मार्क्स तो कम से कम हो गए, कम से कम तो 5 हो गई। ओके मैम, थैंक यू। बीजल मैम से बात करें, अटेंडेंस बोलना बेटा, रोल नंबर 54। उसका माइक खराब है शायद से। हाँ का NT2 है तो रोल नंबर 20 आपने यहाँ पे क्यों ज्वाइन किया? रोल नंबर 20 रोल नंबर 20 अनम्यूट योर सेल्फ, रोल नंबर 20, 31, रीजन में 35, 37, आपने यहाँ पे क्यों ज्वाइन किया है? 37 प्रेजेंट। मैं क्या बोल रही हूँ, 31, 35, 37, आप लोगों को NT1 की लिंक ज्वाइन करनी थी, आपने मेरी लिंक क्यों ज्वाइन की है? मैम पर हम एंड बैच 2 में हैं। नहीं है वो, NT2 यस में मैम। हो आप लोग NT1 में हो, 20, 31, 35, 37, वो तो हमें ऐसे NT1 में। तो लिंक हमें तो नहीं एंड बोला टू गया, आने की आई थी। ऐसा नहीं होता है, हमें स्टार्टिंग पहले से ही क्लासेस में T2 बैच बैच में 2 में डाला ज्वाइन था। होते हैं। प्रैक्टिकल में आप हो गए शायद, ट्यूटोरियल में तो आप
NT1 में वो बोल रहे कि उन लोगों को लिंक नहीं मिली है, आपने आज आपको दूसरी लिंक मिली थी ट्यूटोरियल मैंने तो की। व्हाट्सएप से ली थी बैच, वो NT1 की तो लिंक आ गई थी। हाँ आप लोग है ना जिसकी लिंक आती है ना उसमें ज्वाइन करो, फिर आपकी एब्सेंट प्रेजेंट में बहुत दिक्कत होगी। ओके मैम। देखो अभी मैं बोल देती हूँ 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40 और 41 ये सब NT1 में हो आप लोग। ओके मैम। 53 भी वहीं पे है, 51, 52, 53, 45, 42 आप सब लोग NT1 में हो। वो क्या दूसरे सारे सब्जेक्ट्स में हम बैच 2 में ही बैठते थे इसलिए लिंक व्हाट्सएप से मांगी फिर NT2 की। ऐसा है यहाँ पे कुछ न कुछ रोज कोई ऐसा बोलता है कि हमारी बैच ये है वो है, पर आप लोगों को जो लिंक आती है ना उसमें, आप लोगों को जो लिंक आती है ना उनमें बैठो, प्रैक्टिकल का अलग होता है और मैथ्स का अलग होता है। आपको लिंक मिलती है, अगर नहीं मिलती है ना तो फिर आप किसी के पास से लिंक मांगो और उस टाइम क्लास के में जो भी है आपके सर या मैम उसको बोलो कि आज आपको लिंक नहीं मिली थी, तो पता चले। ठीक है ओके यस मैम। अभी रोल नंबर 47 हेलो एक्सक्यूज मी मैम मैम एम आई ऑडिबल? हाँ बोलो। प्रेजेंट मैम 47 प्रेजेंट 48 48 देखो यहाँ पे आप पार्टिसिपेट में दिखाई दे रहे हो फिर आप अटेंडेंस बोलते नहीं हो तो क्या समझूं मैं उसको। मैम ये प्रेजेंट मैम सॉरी माइक स्टार्ट नहीं होता, क्लिक कर रहा था मैं। ओके प्रेजेंट मैम 50 50 54 प्रेजेंट मैम 52 आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? 52 तो NT1 में है मैम, क्योंकि अभी तक मैम एक टीचर से जब फिजिक्स के टीचर से मैम बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि आफ्टरवर्ड्स 40 रोल नंबर सब लोग NT2 में है, तो मुझे लगा NT2 में हूँ मैं, दैट्स व्हाई। बेटा वो फिजिक्स सारे आपके लिए जो भी सब्जेक्ट है ना उसमें अलग होता है, प्रैक्टिकल होता है उस हिसाब से, और मैथ्स में सिर्फ ट्यूटोरियल होता है तो उसका अलग होता है। मम्मी को अभी NT1 में जाके अपनी अटेंडेंस देनी होगी। कौन सा नंबर है आपका? रोल नंबर 52। मैं यहाँ से मैम को बोल देती हूँ वो आपको प्रेजेंट करती है। रोल नंबर 35 का भी बोल देना मैम, 37 का भी। एक मिनट रुको, मैम अटेंडेंस ले रही है अभी दूसरे बैच में, पहले वो ले ले उसके बाद मैं बोल के मैं मेरी लेती हूँ। यस मैम। अभी मैं बोलूँ ना उसको प्रेजेंट करो आप। 50, 52 फिर 20, 31 50 तो NT2 में ही है ना? नहीं 35 नहीं है, 37 नहीं, ना 21 नहीं, 53 भी नहीं है, 28 भी नहीं, 8 भी नहीं। अभी आप लोग बोलो अटेंडेंस में जिसका नंबर बोलूँ ना वो। 47 प्रेजेंट है, 48 प्रेजेंट, 50 वो प्रेजेंट है, 54 54 प्रेजेंट मैम, 54 55 प्रेजेंट मैम, 56 प्रेजेंट मैम, 56 58 58 59 present ma'am 60 present ma'am 61
हाँ वो मैंने सुन लिया 82 एब्सेंट है ना 83 84 प्रेजेंट मैम 85 91 91 प्रेजेंट मैम 97 97 100 मैम व्हाट अबाउट 95 प्रेजेंट मैम 102 प्रेजेंट मैम 95 प्रेजेंट मैम 103 प्रेजेंट मैम 104 अभी ऐसा कोई है जिसका नाम नंबर नहीं आया हो सबका होगा है ना अभी मैं बोल देती हूँ कि ट्यूटोरियल में जिस मैम की आपको लिंक मिले उसमें से ही आपको ज्वाइन होना है व्हाट्सएप में आई लिंक और ज्वाइन हो गए ऐसा नहीं करना है ठीक है ना वो 35 का वो दूसरे बैच में आप बोल दोगे अब मैंने बोल दिया अटेंडेंस ना वो मैम ने सारी अटेंडेंस ले ली यहाँ से ठीक है मैम यस मैम रोल नंबर 20 है मैम आई एम प्रेजेंट और मैम मेरा मेरे को लिंक NT1 की आती है तो मैम मेरा NT2 बैच है नहीं बेटा आपको NT1 में ही ज्वाइन होना है आपका आप मेस में NT1 बैच में ही हो NT1 में ही हूँ क्योंकि मैम स्टार्टिंग से NT2 बैच मतलब आपके इसमें ज्वाइन हो रही थी नहीं 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 अभी NT1 में हो आप ठीक है मैम ओके और वेक्टर स्पेस की नोट भेजो ऐसा किसने मुझे बोला है सिर्फ आपको सिर्फ सब चाहिए करते रहते हो देखा कभी मेल देखा चेक किया मेल में आई है कि नहीं नोट्स आए हुए मेल्स में बस सिर्फ लिखने का चैट में क्या लिखने का कि मैं मैडम रिकॉर्डिंग भेजो मैडम पीडीएफ भेजो चेक तो करो मिली कि नहीं मिली पहले ही ट्यूटोरियल में बोल दिया कि आपको सब वेक्टर स्पेस की और सब स्पेस की मैंने नोट सेंड कर दिए फिर वापस से एंड में वही जाके बात अटकी होगी नोट कब दोगे नोट कब दोगे एक बार मेल चेक करके आप लोग देखो तो सही